Hello everybody. Today we are going to discuss a very important point, RNA processing. दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझिएगा क्योंकि ये आपको कई सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स स्पेशली नेट जेआरएफ या यूँ कह लें कि आप जो एग्ज़ाम्स देंगे IAS, RAS, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपका लाइफ साइंस से लेना देना है उन सभी में यहाँ से मोर और लेस हर बार कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पिछले लेक्चर में हमने बातें समझी थी कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। प्रोसेसिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को इस कदर मॉडिफाई करना कि वो फंक्शनल हो जाए, यानी वो काम करने लायक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली यूकैरियोट्स में ही सर्च किया गया है। हालांकि प्रोकैरियोटिक आरएनए में भी कई सारे आरएनए ऐसे होते हैं जैसे आरआरएनए और टीआरएनए जिनका प्रोसेसिंग होता है, लेकिन एमआरएनए का प्रोसेसिंग एक्सक्लूसिवली अभी तक यूकैरियोट्स में ही देखा गया है। तो ये प्रोसेसिंग है क्या? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी डीएनए का जो सेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बनता है, डायरेक्ट आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन से बना, उसको हम बोलते हैं प्री आरएनए। और उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग होगा, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और फाइनली वो फंक्शनल या प्रोसेस्ड आरएनए उसको बोला जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। बेसिकली जो हमारा कंसर्न यहाँ पर है वो एमआरएनए से रिलेटेड है। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए में तीन टाइप के प्रोसेसिंग इवेंट्स होंगे, 5' कैपिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर हम लोग भी पॉलीएडिनाइलेशन पे फोकस करते हैं, क्लीवेज को कंसिडर नहीं करते। दिस इज़ नॉट कम्प्लीट वन। सो हमेशा इसको ये तय कर लें, सिर्फ पॉलीएडिनाइलेशन हो नहीं सकता, पहले क्लीवेज होगा, काटा जाएगा और उसके बाद में पॉलीएडिनाइलेशन होगा। हम इस पूरे चैप्टर में इन सारी चीज़ों को वन बाई वन नोटिस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरएनए प्रोसेसिंग को ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, यानी एमआरएनए बन रहा होगा, बनते बनते एमआरएनए पर ये तीनों मॉडिफिकेशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एमआरएनए पूरा का पूरा बन जाता है और उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो कहीं पे हमने किताबों में इस तरीके से देखा होता है, ऑथर हमें समझाने के लिए डिस्क्रीट चैप्टर की हेडिंग में ये सारी चीज़ें हमें मेंशन कर देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन अलग है और आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो अलग है। ऐसा नहीं, और इसके सबूत दिए गए हैं जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए। उनमें उन्होंने ये देखा कि जो एमआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज़ है, आरएनए पॉलीमरेज़ सेकेंड, उसके कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो होता है जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में बोलते हैं CTD, उस CTD पर सेरीन थ्रियोनिन रिच हैप्टाइड सीक्वेंस होती है, मल्टीपल हैप्टाइड मतलब 7 अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है, मल्टीपल हैप्टाइड होता है मतलब खूब सारे सेरीन थ्रियोनिन वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। हैप्टाइड में 3 बारी सेरीन आएगा और 2 बारी थ्रियोनिन होगा। तो सेरीन 5 जगह पे ऐसे सिचुएशन हैं जिन पर OH ग्रुप को आसानी से हटा के फॉस्फेट ग्रुप को लगाया जा सकता है, मतलब द CTD ऑफ RNA polymerase second इज प्रोन टू फॉस्फोरिलेशन इवेंट। और ये जो फॉस्फोरिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा तो RNA प्रोसेसिंग नहीं होगा, और प्रोसेसिंग छोड़िए ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन ही नहीं होगा, क्योंकि CTD का फॉस्फोरिलेशन जब होगा तब ही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर को छोड़ के जीन पर आगे की तरफ क्रॉल करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगा, वरना वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब ही नहीं बनता। तो कुल मिला के हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी ये प्रोसेसिंग एंजाइम्स हैं, 5' कैपिंग के लिए, आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन के लिए, ये ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम ये क्यों आ जाते हैं वहाँ पे?
क्योंकि वो फॉस्फोरिलेटेड CTD जो RNA polymerase second का है उसके साथ में एसोशिएट होते हैं. ओके, सो द फॉस्फोरिलेशन ऑफ CTD ऑफ RNA polymerase second इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे जैसे mRNA का प्रोसेसिंग होता चला जाता है वैसे वैसे ही mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ डायरेक्ट करवाना शुरू कर दिया जाता है. मतलब mRNA का ट्रांसपोर्ट भी कपल्ड है. तो ये तीन इवेंट एक साथ होते हैं दोस्तों. सी द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स. कौन कौन से इवेंट? ट्रांसक्रिप्शन, RNA प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. तो सबसे पहले हम देखते हैं 5' कैपिंग में क्या होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है उसके 5' एंड पर 3 फॉस्फेट रहेंगे क्योंकि उनके 2 फॉस्फेट हटाने के लिए कोई भी अटैक हुआ नहीं है तो जुड़े हुए रहते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा गामा कह देते हैं. अब इस पे सक्सेसिव एंजाइम्स का एक्शन होगा. सबसे पहले होगा फॉस्फोहाइड्रोलेज जो गामा फॉस्फेट यानी टर्मिनल फॉस्फेट को हटाएगा, और फिर दूसरा आएगा ग्वेनाइल ट्रांसफरेज जो होगा वो ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट है ना, उसको ऐड करवा दिया जाएगा. कहाँ पे ऐड करवा दिया जाएगा? बीटा फॉस्फेट पे, एमआरएनए इलोंगेटिंग एमआरएनए के बीटा फॉस्फेट. ये तीनों जो भी एंजाइम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तभी करना शुरू करते हैं जैसे ही एमआरएनए का 5' एंड जो कि सबसे पहले बनता है वो इमर्ज होता है और ये एंजाइम्स वहाँ पे चिपके हुए होते हैं CTD के साथ में, फॉस्फोरिलेटेड CTD के साथ, वो तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे. तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा mRNA बनकर लिबरेट हो गया, अलग हो गया RNA polymerase से और उसके बाद में ये प्रोसेसिंग इवेंट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो सबसे पहले हमने देखा इलोंगेटिंग mRNA पे फॉस्फोहाइड्रोलेज ने उसका जो 5' एंड पे टर्मिनल फॉस्फेट था, गामा फॉस्फेट जिसको कह रहे हैं, उसको रिमूव किया. फिर ग्वेनाइलिल ट्रांसफरेज ने ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट एक GMP को अटैच किया, और यहाँ अटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. आप देख रहे हैं कि यूजली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स में, लेकिन यहां पे ट्राईफॉस्फेट बॉन्ड है ग्वेनिन और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए में कितने फॉस्फेट आ रहे हैं? 3 फॉस्फेट आ रहे हैं. और ये यूनिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होने के जो फायदे हैं वो अभी हम नोटिस करेंगे. ठीक है, फिर जो ग्वेनिन अटैच किया गया है उस ग्वेनिन के 7th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं. कौन करते हैं? ग्वेनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज. अब ये मिथाइल ग्रुप किससे लेंगे? ये मिथाइल ग्रुप लेंगे एडोमेट से. एडोमेट का पूरा नाम होता है, ये एक मॉलिक्यूल है, एस एडिनोसिल मिथियोनिन. और जैसे ही उससे मिथाइल ग्रुप ले लिया जाता है वो एडो HCY में कन्वर्ट हो जाता है, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और फाइनली मिथाइल ट्रांसफरेज 2' ऑक्सोमिथाइल ट्रांसफरेज जो कि राइबोज की ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, सेकेंड OH ग्रुप जो होता है उसके ऑक्सीजन पर मिथाइल ग्रुप लगा देगा, हाइड्रोजन हटा लेगा. तो इस तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि ग्वेनिन का 7th कार्बन जो नाइट्रोजिनस बेस का 7th कार्बन है उसका मिथाइलेशन हुआ है, और जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके राइबो शुगर के सेकेंड OH ग्रुप जो होता है, सेकेंड कार्बन जो होता है राइबो शुगर का, वहां पर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है. तो यहां पे जो आप थर्ड स्टेज में देख रहे हैं जो कि ग्वेनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज के एक्शन के बाद का जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, M7GPPNP, दिस इज कॉल्ड कैप नॉट, कैप जीरो, क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से पहले कहीं पे ये कैपिंग हुई है, मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ. लेकिन 2 ऑक्सो मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से जो मिथाइल ग्रुप फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे आया है उसको हम बोल देते हैं कैप 1, कि कैपिंग कैप 0 से होते होते कैप 1 तक आ गई, यानी मिथाइलेशन होना शुरू हुआ था
ग्वेनिन यानी जीरोथ पोजीशन से होना शुरू हुआ था और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड तक वो मिथाइलेशन हो पाया है, तो इसको कैप वन बोलते हैं। इसी तरीके से कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए तक भी कैपिंग होता है या मिथाइलेशन होता है, जिसको हम कैप टू बोल देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैप जीरो, कैप वन और कैप टू, इनका जो रेशो होता है वो बड़ा फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिकुलर लेवल की जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है उनमें इन चीज़ों को काम में लिया जाता है। अब इस कैप का जो फायदा है वो ये है कि ये एमआरएनए का लाइफ स्पैन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? क्योंकि ये आरएनए से प्रोटेक्ट करता है, जो एक्जो राइबोन्यूक्लियेज हैं उनसे ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट कर देगा? क्योंकि जनाब यहां पर ट्राईफॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट लिंकेज है जिसको काटना आरएनएज को नहीं आता। आरएनएज किसको काटेगा? फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड को काटेगा। और यहां पर ट्राईफॉस्फेट लिंकेज है। सो इस वजह से जिन जिन एमआरएनए की कैपिंग हो जाती है उनका लाइफ स्पन थोड़ा सा मिनट्स में या आवर्स में बढ़ जाता है। तो एवरेज लाइफ स्पन बढ़ने की वजह से हम बोलते हैं द कैप प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू एमआरएनए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आरएनए स्प्लाइसिंग। देखिए तीन टाइप के, बेसिकली एमआरएनए में तीन टाइप के इंट्रॉन्स को देखा गया है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जीन स्ट्रक्चर, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड को स्प्लाइसोसोमल इंट्रॉन या न्यूक्लियर इंट्रॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर जीन्स में सबसे ज्यादा तौर पे देखने को मिलता है। तो फिर ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड कहाँ देखने को मिले, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि आरएनए स्प्लाइसिंग, प्री आरएनए से फंक्शनल आरएनए बनाना और इंट्रॉन को हटवा देना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग बेसिकली दो ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन से होती है। ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है? ईस्टर बॉन्ड एक जगह से हटेगा, दूसरी जगह पे तुरंत लग जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, बहुत फास्ट काम होता है। इसका मतलब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे बन जाते हैं, ये आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब होता है। तो टेक्निकली, अगर हम टेक्निकल सेंस में वर्ड्स बोलें, तो आरएनए रिमूवल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आरएनए स्प्लाइसिंग, बिकॉज आरएनए स्प्लाइसिंग रिलाई ओनली एंड ओनली ऑन ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ओके, अब रही बात ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की, तो इनको कहां देखा गया? तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीन्स में देखा गया था। तो साइंटिस्ट ने ये देखा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, तो उन्होंने देखा कि फिर तो हो सकता है कि ये प्रोकैरियोटिक क्रिएचर्स में भी होंगे, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी इनको नोटिस किया गया। फिर ये भी देखा गया कि एक नेचर होता है, प्रोमिस्कस नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन तीनों के जो डीएनए हैं वो इवोल्यूशनरी पीरियड में आपस में कभी कभी कुछ हिस्सा रिकम्बाइन कर जाता है एक दूसरे के साथ में। प्रोसेस क्लियर नहीं है, इसलिए उसको हम प्रोमिस्कस डीएनए ही बोला करते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का जीन अगर न्यूक्लियस में जा सकता है, तो ये इंट्रॉन भी तो जा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां पर भी वो इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड इंट्रॉन को देखा गया। इनकी स्प्लाइसिंग की खास बात यह है कि इनको ना कोई एक्सटर्नल प्रोटीन की जरूरत है, ना एटीपी की जरूरत है, इसलिए हम इनकी स्प्लाइसिंग को क्या बोलते हैं? सेल्फ स्प्लाइसिंग। अब ये कैसे हो पाता है ये हम आने वाले रिएक्शंस में देखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि स्प्लाइसिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंट्रॉन का 5' एंड और 3' एंड पास पास आ जाए, ताकि ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो पाए। अब अगर आप ये देखें कि किसी वजह से अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाए इंट्रॉन की, जिसकी वजह से उसका 5' और 3' स्प्लाइसिंग जंक्शन पास पास अगर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो दोनों एक्सोन आपस में जुड़ जाएंगे और इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जैसा कि आप ग्रुप वन स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ग्रुप वन इंट्रॉन के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, ये एक टाइप का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें
आपस में ही कॉम्प्लीमेंटरिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये कई सारे हेयरपिन बना लेता है, और हेयरपिन बनाने की वजह से जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड काफ़ी दूर दूर थे वो बिल्कुल पास आ जाते हैं। और अब एक फ्री ग्वेनिन का फ्री ओएच ग्रुप इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड यानी 5 प्राइम स्प्लाइसिंग जंक्शन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, जो इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड की तरफ जो एक्सोन था उसका 3 प्राइम ओएच लिबरेट हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जैसे ही वो लिबरेट होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक होकर अटैक किस पे कर देगा, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग जंक्शन पे। और इस तरीके से जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है वो लीनियर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके, सो हमने ये देखा कि इसमें जो 2 ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन है उसको ट्रिगर किसने किया, फ्री ग्वेनिन ने। अब ये जो फ्री ग्वेनिन है ये GMP भी हो सकता है, GDP भी हो सकता है, GTP भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि इसकी एनर्जी नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ इसका 3 प्राइम ओएच चाहिए। सो ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, और उसके लिए हमें न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज की जरूरत है। और आप देखेंगे पूरी मॉलिकुलर बायोलॉजी में दिस ओएच ग्रुप इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हैविंग द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ओके, दूसरा आता है ग्रुप 2 इंट्रॉन, उसमें भी सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा और स्प्लाइस होके लैरिएट फॉर्म यानी एक छल्ले जैसी सी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये रिलीज होगा, और ये लैरिएट स्टेबल होता है लंबे टाइम तक, ये इस इंट्रॉन की पहचान है रिलीव होने के बाद। यूजुअली ये इंट्रॉन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा लेता है जिसकी वजह से 6 हेयरपिन आ जाएंगे, और जो 6th हेयरपिन होता है उसका एक स्पेसिफिक एडिनिन उसका OH 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट के बिल्कुल नज़दीक होगा, इसलिए वो OH वहाँ पे अटैक कर देगा। और जैसे ही वो वहाँ पे OH अटैक कर देगा, आप देख पा रहे हैं एक लैरिएट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस लैरिएट स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो पहले ही होते थे, जो ब्रांच पॉइंट बना है जो स्पेसिफिक एडिनिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक एडिनिन के दोनों तरफ तो 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थे ही, एक तीसरा और बन गया और वो अनयूजुअल है, वो 5' टू 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यूजुअली क्या होते हैं सारे के सारे, सॉरी वो 2' टू 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यूजुअली क्या होते हैं 3 टू 5'। सो इन द लेरिएट स्ट्रक्चर देर आर 2 यूजुअल 3 टू 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड 1 अनयूजुअल 2 टू 5' फॉस्फोडाइस्टर। और फिर वही सेम कहानी, जैसे ही OH ने 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन पे अटैक किया, एक्सोन 1 का 3' OH रिलीज हो जाएगा, और अब वो न्यूक्लियोफिलिक होके 3' स्प्लाइसिंग जंक्शन पे अटैक करेगा, और दोनों एक्सोन्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जो लैरिएट फॉर्म में है ग्रुप 2 इंट्रॉन रिलीव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों जो इंट्रॉन्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इन दोनों का जो स्प्लाइसिंग है उसमें हमें कोई ATP नहीं चाहिए, कोई बाहरी या एक्सटर्नल प्रोटीन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं हम तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्रुप 3 इंट्रॉन और उसका स्प्लाइसिंग। जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो लाइट ग्रीन कलर में हमने बना रखा है वो है न्यूक्लियर इंट्रॉन। इस न्यूक्लियर इंट्रॉन के टर्मिनस 5' टर्मिनस पे GU कंजर्व होंगे, और इसी तरीके से 3' टर्मिनस पे AG कंजर्व होंगे। अगर ये आप GU और AG में म्यूटेशन करवा देते हैं तो स्प्लाइसिंग नहीं होगा। तो दोस्तों क्रक्स ये है कि जो हम सदियों से समझने की कोशिश में लगे हैं, एक रटने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इंट्रॉन में म्यूटेशन से कुछ नहीं होता, अब वो बातें नहीं रही है। साइंस इस कदर आगे पहुंच चुकी है कि वो हमें ये बताती है कि इंट्रॉन के भी उस हिस्से में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए जो हिस्सा स्प्लाइसिंग में काम आता है, अदरवाइज स्प्लाइसिंग नहीं होगी। स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो पूरी कोडिंग सीक्वेंस चेंज कर देगा, और कोडिंग सीक्वेंस चेंज कर देगा तो फंक्शनल प्रोटीन्स नहीं मिल पाए। तो ये जो GU और AG हैं वो हाईली कंजर्व हैं, सभी जितने भी न्यूक्लियर इंट्रॉन्स हैं सभी ऑर्गेनिज्म में ये उनकी पोजीशंस तय रहती है। GU कम्स एट 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन,
एंड ए जी कम्स एट 3' स्प्लाइस इंजंक्शन। ओके, अब जरा हम बात करते हैं कि इनकी जो स्प्लाइसिंग है उस स्प्लाइसिंग को ग्रुप वन और ग्रुप सेकेंड से ये कैसे अलग है। ग्रुप थर्ड इंट्रोन या न्यूक्लियर इंट्रोन का साइज बहुत बड़ा होता है, इस वजह से उसका 5' और 3' एंड बिल्कुल आपस में पास पास आ नहीं पाता, क्योंकि वो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अटेन ही नहीं करता। इसलिए उनको फोर्सफुली पास पास लाना पड़ेगा, और इसलिए एक हैवी प्रोटीन मशीनरी की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ये जो स्प्लाइसियोसोम है ये 5 अलग अलग टाइप के SNRNP से बना है। RNP स्टैंड्स फॉर राइबोसोम, सॉरी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो RNP किससे बनता है, RNA प्लस प्रोटीन, जब ये मिक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, RNP। SNRNA का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो स्प्लाइसियोसोम में 5 अलग अलग टाइप के SNRNP होते हैं, जिसमें हर किसी में एक यूनिक SNRNA होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल SNRNP U1 SNRNP, उसमें U1 SNRNA और तकरीबन 20 के आसपास प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे ही बाकी के जो SNRNA U2 SNRNA, U4 U5 U6, इन सभी के साथ में ऑन एन एवरेज 20 प्रोटीन्स के आसपास अटैच होके U1 U2 U4 U5 U6 SNRNP बन जाते हैं, और ये सारी की सारी मशीन 1x1 mRNA पे एग्रीगेट होती है और स्प्लाइसोसोम का फॉर्म लेती है। जब ये एग्रीगेट हो रही होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तब इसको ATP की जरूरत होती है। यानी RNA स्प्लाइसिंग के लिए ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में कोई ATP की जरूरत नहीं है, लेकिन उस ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन को चैनलाइज करवाने के लिए स्प्लाइसियोसोम को असेंबल होना पड़ेगा इंट्रोन पे, और इसके लिए असेंबली के लिए हमें ATP की जरूरत होगी। तो आप इस डायग्राम में आसानी से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले U1 और U2 SNRNP असेंबल होंगे। U2 SNRNP ब्रांच पॉइंट पे आएगा, और U1 कहां पे आएगा, 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन। क्यों? क्योंकि U1 SNRNA जो है उसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी किसके साथ होती है, 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन की जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है उसके साथ। कौन सी कंसेंसस सीक्वेंस है, जरा आप इस डायग्राम में देखें, GU देन प्यूरीन AGU, ये जो सीक्वेंस है इसकी कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस किन में प्रेजेंट होती है, U1 SNRNA में। तो जाहिर सी बात है U1 SNRNA किसका कंपोनेंट है, U1 SNRNP का कंपोनेंट है, इसलिए वो जाके यहाँ पे बाइंड करेगा। और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंटरिटी की वजह से ही U2 कहाँ जाके बाइंड करेगा, ब्रांच पॉइंट पे। ब्रांच पॉइंट जो यक यक सीक्वेंस था उसमें जो स्पेसिफिक एडिनिन है, इसी एडिनिन का 2' OH न्यूक्लियोफिलिक होकर किस पे अटैक करेगा, 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन। लेकिन यहाँ वो ऑटोमेटिकली अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर होता है। सो स्प्लाइसियोसोमल कंपोनेंट का काम क्या है, कि इस 2' OH को किसके नजदीक ले आया जाए, 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन, दैट्स इट। तो इसके लिए U4, U5 और U6 SNRNP भी बाद में बाइंड करेंगे, और इस तरीके से इसमें काफी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से फाइनली ब्रांच सीक्वेंस का स्पेसिफिक एडिनिन का 2' OH 5' स्प्लाइसिंग जंक्शन पे अटैक करेगा, और एक्सोन 1 का 3' OH फ्री हो जाएगा, और अब वो फ्री होकर किस पे अटैक करेगा, 3' स्प्लाइसिंग जंक्शन। और इस तरीके से एक इंटरमीडिएट लैरिएट स्ट्रक्चर बनेगा, और दोनों एक्सोन आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो फाइनल स्टेज पे जो रिएक्शन है उसको कैटालिसिस करवाने के लिए U1 और U6 SNRNP का होना बहुत जरूरी है। अगर ये म्यूटेटेड रहे तो ये फाइनल स्टेज चैनलाइज नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ATP इस पूरी प्रोसेस में चाहिए, लेकिन असेंबली के लिए, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन के लिए नहीं चाहिए। अब हम फाइनली बात करते हैं क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन। जब mRNA का जीन का पूरा इंफॉर्मेशन mRNA में आ गया, तो उसके बाद में एक सीक्वेंस इमर्ज होती है, GU rich सीक्वेंस।
एमआरएनए में, एमआरएनए अभी भी बन रहा है, बनता चला जाएगा। जैसे ही वो जीयू रिच सीक्वेंस इमर्ज होती है, वहां पे क्लीवेज फैक्टर्स आके बाइंड कर जाएंगे और उन क्लीवेज फैक्टर्स की वजह से वहां पे एक एंडोन्यूक्लियस कट लगेगा और उस कट लगने के बाद में पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज आर ए एम पी को अटैच कर देगा और एक पॉली ए टेल बना देगा। पॉली ए टेल भी एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। कैसे करवाती है? क्योंकि इस पर पीएबीपी टाइप के प्रोटीन आके बाइंड कर जाते हैं, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और जब चारों तरफ से इस पे प्रोटीन बाउंड है तो एक्सोराइबो न्यूक्लियस जो होंगे वो यहाँ पे कट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस पूरी प्रोसेस को देखा है, आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।